तो गाइज इंडियन बाइक ड्रोन 3D गेम में आ चुका है जॉइंट NPC, जिसे हम लिटरली कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन गाइज इस जॉइंट NPC को एक्टिवेट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? अरे यार, अभी मेरे दोस्त चिराग का फ़ोन आया। वो बहुत जल्दी में बात कर रहा था, बोल रहा था कि ब्रैंकलिन तू मेरे घर पे जल्दी से आ जा, तुझे एक सीक्रेट चीज़ दिखानी है। तो फटाफट से अपनी निशान GTR लेके चलते हैं। तो गाइज अगर आपको निशान GTR का चिटकोड पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो विलेज एरिया में जाते हैं गाइज। तो फाइनली चिराग का घर आ चुका है। अब यहाँ पे गाइज इसको बाहर भी तो बुलाना पड़ेगा ना बात करने के लिए। लेट्स गो। ओ रहा सामने वाला घर, पता नहीं क्या सीक्रेट बताएगा यार। अरे यार फ्रैंकलिन, तू कितना ढीला आदमी है यार, तुझे कब बुलाया था यार, तू एक घंटे बाद आ रहा है। अब मेरी बात तू ध्यान से सुन, कंस्ट्रक्शन एरिया में ना मैंने एक बहुत ही बड़ा जॉइंट आदमी देखा है, लेकिन पता नहीं यार वो क्यों हिल नहीं रहा है, एक ही जगह पे अटका हुआ है, बस उसके थोड़े बहुत हाथ पैर हिल रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कि वो बस एक जिंदा आदमी है और उसके बैक साइड में एक लॉक पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से भाई वो अंदर जाने का रास्ता है। अबे सुबह सुबह तूने भांग की गोली खाई है क्या? अबे नशे में है तू, क्या बातें कर रहा है? अबे पागल, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तुझे यकीन नहीं तो जाके तू देख ले, यकीन हो जाएगा। मुझे इसकी बातों पे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो मुझे यकीन करना पड़ेगा। जल्दी से जाके देख लेते हैं। तो जल्दी से चलते हैं उसे देखने। और चिराग ने ये बात भी बोली थी कि उसके बैक साइड में एक गेट है जिसके द्वारा हम अंदर भी जा सकते हैं, तो ये चेक करना पड़ेगा गाइज। तो फाइनली हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी दिख। अरे भाई साहब, अबे इसकी भैंस की, ये क्या है, इतना बड़ा जॉइंट NPC, अरे बाप रे बाप, इसको तो उतर के देखना पड़ेगा। अबे यार ये इतना जॉइंट है यार, अबे ये क्रेन तक जा रहा है, लिटरली क्रेन से थोड़ा सा छोटा है भाई। इसके हाथ पैर तो पूरा हिल रहे हैं, एक जिंदा लग रहा है भाई, चिराग ने तो सच में बोला था भाई। इसके पीछे गेट भी है क्या? जाके चेकआउट करना पड़ेगा भाई, चलो ऊपर चल के देखते हैं। अरे भाई इसके टॉप फ्लोर पे आते आते सांस फूलने लगी यार। अरे भाई, अरे यार इसके पीछे तो सच में एक गेट है भाई। NPC के अंदर हम लोग जा सकते हैं क्या? अबे ये रोबोट तो नहीं है ना कोई? अरे दरवाजा भाई, इसका दरवाजा खोल के देखते हैं, खोलता है कि नहीं। अरे खुल जा। अरे अरे ये तो लॉक्ड पड़ा है भाई। भाई मेरे से तो नहीं खुल रहा यार, ये लॉक्ड पड़ा हुआ है, इसकी चाबी तो नहीं है मेरे पास। एक काम करता हूँ, चिराग के घर पे चलता हूँ, वही बताएगा इसके बारे में सब कुछ, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन सारी चीज़ों की। अरे अरे भाई 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 भाई, अभी टकरा जाता यार भाई। अबे चिराग यार, तू तो बोल रहा था कि हम लोग उस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं यार, वो तो लॉक्ड पड़ा है, हम लोग कैसे जाएं यार भाई, कुछ तो बताओ। अबे छोले भटूरे की पैदाइश, तू ऐसे ही चला जाएगा क्या उसके अंदर? तुझे उसके अंदर जाने के लिए तुझे जुरासिक पार्क में जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुझे मिलेगी चाबी। उस जुरासिक पार्क के अंदर एक एग है, उस एग के अंदर बहुत ही सुपर पावर है, उस पावर को पाने के लिए तुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अबे यार चिराग, तू हमेशा एक पजल को सुलझाने के लिए दूसरा पजल क्यों ला देता यार भाई? यार इसके पास आने में पूरा मूड खराब हो जाता है, लिटरली ये पूरा मूड खराब कर देता है यार। ये ऐसे बोलता है पहले वहाँ पर जाओ उसको सुलझाओ, फिर वहाँ पर जाओ, और वो भी काम नहीं बन रहा है तो वहाँ पर जाओ, हद होती है यार। आप लोग कमेंट करके बताओ ये सही है यार, इतनी ज़्यादा मेहनत यार, दिमाग खराब हो जाता है यार भाई। चलो दरवाज़ा ओपन करके अंदर चलते भाई, और देखते हैं कि वो अंडा में कहाँ पर मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वहीं पर अंडा मिल जाए। चलो दरवाज़ा बंद करके चलते हैं। अरे भाई, अरे अंडा तो यहीं पे मिल गया यार, ये यहाँ से अभी तक गायब नहीं हुआ। चलो यार जल्दी से इसको लेके निकलते हैं, जब अपने हाथ ही लग गया है तो। यार भाई ये तो बहुत ज़्यादा हिल रहा है यार, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, कहीं ऐसा ना होगा जिसके अंदर डायनासोर का बच्चा हो, मेरी तो वाट लग जाएगी यार। चलो यार अंडा तो ले लिया है, यहाँ से फटाफट से बाहर निकलते हैं। लेकिन चिराग ने बोला था इस अंडे को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेट्स सी।
मेहनत ही करनी है तो गाइज अपने नए वाले हाउस पे चलते हैं, वहां जाके मेहनत करेंगे। बिकॉज यहाँ पे मुझे किसी ने मेहनत करते देख लिया ना तो डायनासोर को लगेगा कि उसके अंडे फोड़ रहा हूँ, मेरी वाट लग जाएगी, इसीलिए घर चलते हैं। वैसे मुझे भी डर लग रहा है गाइस कि संडे के अंदर से क्या निकलेगा यार, कहीं धमाका ना हो जाए भाई। भाई ये गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं मार? अरे यार इस गाड़ी के टायर ना चेंज करवाने पड़ेंगे, अगर ऐसे ही ठुकती रही ना भाई तो ये बहुत ही नुकसान कराएगी। कितना ज़्यादा डैमेज हो गया भाई इसको ठोक ठोक के। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं और इस अंडे को खोलने के ट्राई करते हैं भाई, कैसे खुलेगा ये। भाई कहीं अंडे को डैमेज ना हो जाए इसलिए मैं इसको बेड पे लेकर बैठूंगा। ओके इसको खोलने का ट्राई करते हैं भाई, ओपन हो जा। अरे यार कहाँ से ओपन होगा ये, अभी यहीं पे तो क्रैक हुआ था, यहाँ पे हाथ डाल के कब से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा यार। अरे अरे हुआ भाई, हुआ हल्का सा यहाँ पे क्रैक तो आ गया है। अरे भाई यहाँ पे तो एक पजल आ गया यार, मतलब इस अंडे को ओपन करने के लिए मुझे पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पर ना इस डायनासोर का नाम बताना पड़ेगा, इसका सही नाम क्या हो सकता है? रैप्टर, टीरेक्स, स्पाइनो, ब्रैक्स। चलो भाई मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ कि इस डायनासोर का रियल नेम क्या है? रैप्टर है, टीरेक्स है, स्पाइनो है, ब्रैकोसोरस है, आप बताओ। भाई जिसका नाम सही से होगा ना उसका कमेंट रेड हो जाएगा, पूरा रेड हो जाएगा। जो जो भी इस वीडियो को देख रहा ना गाइज अभी फटाफट से इस डायनासोर का नाम बताओ, जल्दी से बताओ उसका नाम क्या है। अरे अरे कुछ तो हुआ, यहाँ पे स्पाइनोसोरस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, ये रेड हो गया है। गाइज आपने सही कर दिखाया यार, फाइनली ये अंडा ओपन हो चुका है और मुझे इस अंडे के अंदर से ग्रीन कलर का कुछ मिला है गाइज। मुझे लगता है ना उस जॉइंट एनपीसी का दरवाज़ा का की है गाइज। मुझे इतनी ज़्यादा पावर मिली है ना गाइज, मुझसे थोड़ा सा भी वेट नहीं हो रहा, तो जल्दी से चलते हैं गाइज, फटाफट से चलते हैं। लेकिन उस गेट पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ था तो ये चाबी लगेगी कहाँ पर? वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। क्या मैं अगर उस गेट को ओपन कर लूँ तो क्या मैं उस एनपीसी के अंदर जा सकता हूँ? यार लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, फटाफट से चल के देख ही लेते हैं गाइज। तो फाइनली गाइज हम लोग कंस्ट्रक्शन एरिया में आ चुके हैं और ये जायंट एनपीसी को देखो भाई, ये कितना बड़ा दिख रहा है यार, यार ये कितना बड़ा दिख रहा है। तो वक्त आ चुका है गाइज जॉइंट एनपीसी के अंदर जाने का। यार ये सीढ़ियाँ नहीं चली जाती यार, सांस फूलने लगते यार, लिटरली नहीं चली जाती। थर्ड फ्लोर पर आ चुका हूँ भाई। ओके ओके ये लास्ट फ्लोर है भाई। अबे ये क्या हो रहा है भाई, जैसे ही मैंने इस चाबी को निकाला, इस पावर को निकाला, ये हवा में उड़ने लगी। अरे अरे भाई ये तो उसके अंदर चली गई। अरे दरवाज़ा तो ओपन हो जा। अरे ये तो सब्सक्राइब बटन है गाइज, मतलब अंदर जाने से पहले आपको रोमन गेमिंग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम सारे लोग मिलके गाइज सब्सक्राइब करते हैं, तो क्या आप लोग रेडी हो? तो मैं तीन तक गुनूंगा, 1 2 3, जल्दी से आप लोग दबा दो गाइज। तो फाइनली गाइज आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो ये गेट ओपन हो चुका है और ये देखो सामने हम लोग एनपीसी के अंदर जा सकते हैं। तो लेट्स गो गाइज, चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। अरे यार भाई फाइनली मैं जॉइंट एनपीसी बन चुका हूँ यार भाई। भाई यार कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार भाई, ये देखो ट्रेन कितनी छोटी लग रही है मेरे सामने। भाई काफ़ी सारी बिल्डिंग भी मेरे सामने छोटी हो गई यार। ऑल राइट ये बिल्डिंग मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो चलो इसके ऊपर चलने की ट्राई करते हैं। ओके अरे यार भाई मैं खिड़कियों के अंदर हाथ डाल के ऊपर चढ़ पा रहा हूँ। ऑल राइट बस पहुँचने ही वाला हूँ। तो फाइनली गाइज हम लोग बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच चुके हैं। भाई कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है वाला सीन, ये देखो हेलीकॉप्टर मेरे सामने कितने छोटे हैं। भाई ये बहुत ही खतरनाक सीन है, मज़ा आ गया भाई इतना जॉइंट बन के। तो चलो बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं गाइज। तो एयरपोर्ट चलते हैं गाइज, वहाँ पर देखते हैं कि हम लोग वहाँ पर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं। और वो रहा सामने एयरपोर्ट, और ये देखो गाइज फ्रैंकलिन का हाउस मेरे सामने कितना छोटा लग रहा है।
यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस पेड़ को उखाड़ के अपने हाथ से तलवारबाजी करूँ, कितना मजा आएगा। मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, तो ये ले तलवारबाजी। एक्चुअल में गाइज मैं तो पेड़ बाजी कर रहा हूँ। ये ले और ये भी ले, तो मजा आ गया भाई पेड़ बाजी करके, मतलब पेड़ चला के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई गाइज तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय गाइज। तो गाइज इंडियन बाइक ड्रोन 3D गेम